खुश आमदीद है आप सबका और एक इन्फॉर्मेटिविटी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठाउन दीक्षा रिजल्ट परसेंटेज 30, 40 और 50% और उन साथी से के मतलब जिनका नाम बिल्कुल भी नहीं है इस लिस्ट में, हालांकि उन्होंने 18 के 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हासिल करेंगे और तमाम आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो हाल ही में जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर हुई एक एक्सेल फॉर्मेट में एक एक्सेल शीट, तो एक वहाँ पे डेटा था एक्सेल शीट में कि उसका नाम दिया गया कि ये रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे पहली बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि बिल्कुल भी अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की एससीईआरटी की वेबसाइट पे जैसे कुछ टीचिंग ऑप्शंस है वहीं से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमने वहाँ पे वेबसाइट देखी, वहाँ पे कहीं पे भी ना एससीईआरटी ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे दिखाया गया है कि नोटिफिकेशन आई है कि रिज़ल्ट हमने निकाला है, रिज़ल्ट आउट किया है। तो आप कैसे कहते हैं कि ये फाइनल रिज़ल्ट है? तो बिल्कुल यहाँ पर बात क्लियर है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मल वे में कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, ये रिज़ल्ट ये जो फाइल है बिल्कुल ये रिज़ल्ट नहीं है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक फाइल है एक्सेल शीट में, एक डेटाबेस है जो कि एससीईआरटी ने डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन या जोनल टेक्निकल एडमिन के लिए ग्रुप्स में डाल दी थी ताकि ये जो सेकंड फेज है निष्ठा का जो शुरू होने वाला है तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट टीचर्स हैं जिन्होंने नहीं की हुई है तो उनका नाम उनके पर्टिकुलर ढूंढने में या एक कंसोलिडेटेड एक लिस्ट बनाने में उनको आसानी मिल जाए। तो पहले मैं ये बिल्कुल बात क्लियर कर दूं, इसका फॉर्मल वे जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई बोर्ड या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है कि अगले दिनों में या आज हमने कोई रिज़ल्ट निकाला, तो बिल्कुल ये उस तरीके का नहीं है। दिस इज़ ओनली ए डेटाबेस ऑफ द टीचर्स यू आर डन द 18 मॉड्यूल्स। तो उनका एक डेटाबेस है एक्सेल शीट में है जो कि इसकी ज़्यादा अहमियत सिर्फ टेक्निकल एडमिन के लिए थी क्योंकि उनका एक सेकंड फेज के लिए कंसोलिडेटेड एक वहाँ पे फॉर्मेट बनाना था ताकि जो भी डिफॉल्टर टीचर्स थे उनकी बिल्कुल वहाँ पे शिनाख्त हो सके तो उनको दूसरे फेज में ये 18 मॉड्यूल्स करवाए जाए। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसका रिज़ल्ट के साथ कोई वास्ता नहीं है। हाँ, इसकी ये अहमियत है यहाँ पे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ता है कि किन टीचर्स जो है जिन्होंने 18 मॉड्यूल्स नहीं किए हुए हैं या इनकम्प्लीट किए हुए हैं। तो नंबर सेकंड बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि रिलेटेड टू परसेंटेज ऑफ मार्क, चाहे 30%, 40%, 50%, क्योंकि बहुत से उस अच्छे अगर हम ये भी फ़ोन कर रहे हैं और परेशान हैं कि हमारे किसी मॉड्यूल में 30%, 40%, 50% या 60% है, क्या वो मॉड्यूल हमने पास कर लिया है कि हमें दोबारा से वो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ और आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपका रिज़ल्ट आपके फ़ोन में है, आपकी दीक्षा ऐप में, आप अपने फ़ोन में जाइए दीक्षा ऐप में देखिए, अगर आप लॉगिन है और वहाँ पे आप देखें माई लर्निंग्स, अगर आपने 18 के 18 मॉड्यूल्स कर लिए हैं, उनकी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको इस लिस्ट के साथ जो है एक्सेल फाइल इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ रहे, बी एट पीस, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लिस्ट, इस लिस्ट में कुछ एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन, क्योंकि एक फ़ाइल है डेटाबेस से लिया गया, कंप्यूटर से लिया गया एक फ़ाइल है। असल चीज़ जो है जिस पे आपकी वैलिडिटी है वो आपकी ऐप है दीक्षा ऐप जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। अगर वहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनके सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो बिल्कुल चाहे आपके कितने भी परसेंटेज रहे हैं, 30, 40, 50, 60, 70%, जो भी आप किसी मॉड्यूल में रहे हैं, तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एज़ पर द करंट जो ऑर्डर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं एससीईआरटी की तरफ, वहाँ से कोई भी वहाँ से आर्डर नहीं निकला है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात तय है कि अगर आपने 18 के 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए, उनके सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो टीचर जो है उसने पहला फेज जो था निष्ठा का वो कंप्लीट कर लिया है, उसको घबराने की, उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि वो टीचिंग ऑप्शंस तो जिनका नाम ही बिल्कुल इस फाइल में या जो ये एक्सेल फाइल स्प्रेड हो रही है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में कि उसमें उनका नाम ही नहीं, हालांकि उन्होंने बराबर 18 के 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि उन टीचिंग ऑप्शंस उन उस्ताद-ए-किराम को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपकी जो दीक्षा ऐप है आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, आप वहाँ पे जाइए, उसमें लॉगिन कीजिए, अपडेट कीजिए उसको, फिर लॉगिन कीजिए, फिर अगर आप माइंड लर्निंग इसमें आपको दिखाता है वो ऐप, आपने ऑलरेडी 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, 3 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी सर्टिफिकेट ही आपके पास है, तो चाहे आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, कोई भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम ये बार बार कह चुके हैं, जो कि हमारे पास गाइडलाइंस हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं या SCERT की तरफ से गाइडलाइंस हैं, कि जो मोस्ट वैलिड प्रूफ है एक टीचर ने 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो ये है कि उसके पास 18 मॉड्यूल्स जो फर्स्ट फेज में कराए गए उनकी 18 सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, तो वहाँ पे उस टीचिंग ऑफिसर्स उस उसातिज़ा किराम को, उस उस्ताद को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल, उसने ये दिमाग में रखना है कि उसने तमाम 18 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, 18 सब्जेक्ट उसके पास हैं, ना तो वहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी वहाँ पे गाइडलाइन नहीं है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और ना ही वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन है कि फाइनल रिज़ल्ट या कोई ऐसा रिज़ल्ट हमने वहाँ पे इजरा किया है। तो बिल्कुल अब मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो फाइल एक्सेल फाइल है, ये सिर्फ एक डेटाबेस है जो कि SCERT ने डिस्ट्रिक्ट एडमिन तक पहुँचा है, और थ्रू अदर ग्रुप्स ये तमाम अब टीचर्स के पास पहुँच गया, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि इससे जो इससे मुंसलिक अफराद हैं निष्ठा टीम से एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एट जोन लेवल, उनको आसानी हो जाए लोकेट करना कि किन टीचर्स ने, किन टीचिंग ऑफिसर्स ने पहले फेज़ में निष्ठा की ट्रेनिंग नहीं की है, ताकि वो उनका एक डेटाबेस बनाए और थ्रू डिस्ट्रिक्ट टीम SCERT तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो वही मकसद है इस फाइल का स्प्रेड करने का। बाकी ये अगर हम पर्टिकुलर एक फॉर्मल वे से कहेंगे कि जैसे कि बहुत से इंस्टाग्राम कह रहे हैं कि कहीं पे ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना कि SCERT पे, ना कि NCERT पे, कि नोट के दीक्षा का ये जो पहला फेज का रिज़ल्ट आया है, बिल्कुल ये हकीकत है, ये रिज़ल्ट नहीं है, दिस इज़ ओनली डेटाबेस फाइल फ्राम द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स। तो वहाँ पे वहाँ से लिया गया एक 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 फाइल है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या जोनल लेवल पे उसकी अहमियत है। तो उम्मीद है कि आपके तमाम जो वहाँ पे क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस थे, उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। और फाइनली ये कहता चलूँ कि अगर आपने 18 के 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं और उनकी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, आपके फ़ोन में मौजूद है, तो आप बिल्कुल ये एट पीस रहिए, आपने निष्ठा का जो फेज़ 1 था वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।